दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं या किसी एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आपका साइज नहीं बन रहा है या ट्रेनिंग करने के बाद आपके शरीर में दर्द रहता है, तो समझ जाइए आप किसी बड़ी बीमारी को संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है बॉडी की स्ट्रेचिंग ना करना और बॉडी के अंदर बॉडी को वार्म अप ना करना। स्ट्रेचिंग की मैं वीडियो बना चुका हूँ और बॉडी का जो वार्म अप है, मैं इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं सुनील दास शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आइए मैं बताने वाला हूँ कि बॉडी वार्म अप किस तरीके से करें, फिर उसके बाद हार्ड वर्कआउट करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, करते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें अपने पंजों पे जंप करना है, धीरे धीरे हमें जंप करना है। कम से कम इसे आप 10 टाइम करिए इस तरीके से, हाथों को यहां पे रखना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे साइड में, पूरे हाथों को साइड में लेग्स के साथ इस तरीके से। आप इसे भी 10 टाइम कर सकते हैं, पूरा ऊपर को ले जाने से आप लैप भी ले सकते हैं। यहां से स्टॉप। फिर दोस्तों, हमें यहाँ पे कमर पे हाथ रख के आगे की ओर, जो हमारे पंजे हैं वो आगे की ओर, बॉडी थोड़ी सी पीछे की ओर, इसे भी आप 10 टाइम 20 टाइम अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टॉप। यहां से आप पीछे पीछे देख लेंगे, आप अपने हिप्स को टच करना है। पीछे दिखा देता हूँ मैं, इस तरीके से करना है हमें। इससे भी आप अपना टाइम और काउंटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। चेंज करेंगे हम नियम लेंगे फास्ट, इसको पहले फास्ट इस तरीके से जितना ऊपर आप कर सकते हैं उतना तेज आपको करना है। इसके अंदर आप काउंटिंग 10 टाइम 20 टाइम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टॉप। अब इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे हम, यहाँ से लेग को क्रॉस इस तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सभी को करना है। स्टॉप। नेक्स्ट करेंगे पैरों को क्रॉस चिपका के, यहां से ले। स्टॉप। अब साइड में लेंगे लेफ्ट राइट, स्टॉप। अब इसी को हम ट्विस्ट करेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, इससे आपका फैट बेली फैट जो है उस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। स्टॉप। ये दोस्तों मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको बताई, अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले हम वन लेग जंप करेंगे, ध्यान से देखेंगे नीचे वाला पैर और पंजे बनेगा और आगे वाला पैर इस तरीके से, ये इस तरीके से, दूसरा हाथ ये इस तरीके से जंप करेंगे। फिर इसको लेफ्ट लेग से लेंगे, ये देखेंगे इस तरीके से, इसी को बोथ लेग, लेग को नीचे से लेना है, क्लैप भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, ये मैं कम कम आपको इसे करके बता रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रेट लेग लेंगे, स्ट्रेट लेग में देखेंगे यहां से ये लेग चेंज करेंगे, इसके बाद बोथ लेग, अपने पंजों को टच करना है क्रॉस में, हैंड लेना है। स्टॉप। इसके बाद फ्रंट वेस्ट साइड, ये दूसरी लेग लेंगे लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट आपको नेक अप डाउन साइड, ये हमने स्ट्रेचिंग में कर दिया चेंज। इसके बाद नेक रोटेशन रिवर्स, इसके बाद वेस्ट,
रिवर्स। अब यहां से लेग को क्रॉस करेंगे, ये हमारे नी के लिए है, चेंज करेंगे यहां से, लेग को थोड़ा ओपन करेंगे, थोड़ा लेग को पुश करेंगे, चेंज करेंगे यहां से, पूरा हाथों को नीचे टच करना है जितना आप टच कर सकते हैं, सांस को बाहर निकालते हुए ऐसे। लेग को लेंगे अपना यहां से, दोनों लेग को लेंगे, अपने राइट लेग लेफ्ट लेग को राइट लेग पे और राइट लेग को राइट हैंड को लेफ्ट लेग पे, मतलब अपोजिट लेना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, ऊपर देखना हमें, ऊपर हाथ की तरफ देखना है, इस तरीके से आप 20-30 जितना आप कर सकते हो उतना आप, जैसे कि आपके पास टाइम उसके को ये स्टॉप। इसके बाद आप यहां से इसको करने के बाद टच करेंगे इस तरीके से, सांस को बाहर करते हुए, फिर लेफ्ट, फिर आगे फ्रंट में डाउन इस तरीके से, ये सांस बाहर निकालते हैं, सांस ऊपर, इसमें सांस लेते हुए पीछे रुकेंगे, सांस लेते हुए आगे जाएंगे, सांस निकालते हुए स्टॉप। साइड स्ट्रेच करेंगे यहां से, हाथ को पीछे करेंगे इस तरीके से, यहां से स्ट्रेच इस तरीके से 10-20 टाइम कर सकते हैं, स्टॉप। अब यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं, ये हमारा थाई से रिलेटेड वर्म अप है, पैरों को खोल लेंगे यहां से, ये हमारा हॉर्स स्टांस जो हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, हाथ सामने रखेंगे, इसके अंदर आप होल्ड भी कर सकते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है। इसके बाद हम दोनों पंजों को पकड़ेंगे यहां से बाहर की ओर, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड इस तरीके से। इसके बाद हमें नीचे स्ट्रेच करना है, पूरा बैठेंगे यहां से, हाफ डाउन करना है इस तरीके से, इसको आप 10 टाइम करें इस तरीके से। अब यहीं से हम फुल डाउन लेंगे, इसके अंदर हिल के ऊपर, हिल नीचे, ये इस पोजीशन में हाथ सामने, अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो आप सामने पार्टनर का सहारा भी ले सकते हैं इस तरीके से, सामने एक पार्टनर भी खड़ा कर सकते हैं, इसको भी आप 10 टाइम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमें लेग की एक्सरसाइज, ये देखो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उनका आप यूज करेंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे। दोस्तों इस इन टेक्निक जो मैंने टेक्निक्स बताई, वार्म अप की जो तरीका बताया, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली जो अपडेट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े आगे वीडियो बनाने के लिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं ताकि वो इसका पूरा लाभ उठा सकें। और इसको करने से पहले, वार्म अप को करने से पहले बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी होती है, वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों आगे इसी तरीके से बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।